छत्तीसगढ़ में स्कूलों में सूखा राशन बांटने में भारी अनियमितता देखने को मिल रही है। बता दें कि खाद्य संस्थाएं जिससे क्रय करने पर प्रतिबंध लगा हुआ था, उनसे करोड़ों की खरीदी की गई है, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने स्कूल शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है और इस अनियमितता की जांच कराने के लिए कहा है। वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने भी पत्र के माध्यम से अपनी सफाई पेश की है। सूखा राशन में जो अनियमितता हुई है प्रदेश में, उसको लेकर के विधानसभा में प्रश्न भी लगाया गया था और उसके बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बात को लेकर के शिक्षा मंत्री जी को पत्र लिखा हूं मैं। शिक्षा मंत्री जी ने उसका दो लाइन का जवाब दिया है कि आपने अवगत कराया है, उसके लिए धन्यवाद, और उसमें आगे कार्रवाई होगी। तो जिस प्रकार से प्रदेश में स्थिति चल रही है, तो मुझे लगता है कि आवश्यक है कि उसमें कार्रवाई होनी चाहिए।